चूंकि आप अपनी मीठा खाने की आदत पर नियंत्रण नहीं कर सकते, यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस कागज पर आप अपनी वसीयत लिख सकते हैं, बाकी के काम काका साहब कर देंगे। वसीयत? अभी मेरी उम्र 40 भी नहीं हुई, भला मुझे इसकी क्या जरूरत? जरूरत पड़ने वाली है बहुत जल्द, क्योंकि आपका मानना है कि आप मीठा खाए बगैर जी नहीं सकते, और अगर आप मीठा खाते भी रहे तो कहां ज्यादा जी पाएंगे आप। परेशान मत होइए, आपकी बीमारी और ये आपकी वर्तमान जीवन शैली जो है उसके हिसाब से और कुछ महीने हैं जीने के लिए, उतना समय काफी है वसीयत बनाने के लिए। साई, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए। केवल आप ही अपनी मदद कर सकते हैं। मुझे पता है आदतों को छोड़ना, उनका त्याग करना कठिन है, लेकिन कभी कभी अपनी सलामती के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। और क्या आपको पता है, हर नया दिन बीते दिन से आसान होता है, सरल होता है। मैं समझ गया साईं, आपने मेरी आंखें खोल दी और ये एहसास दिला दिया कि मैं कितना गलत था। जैसे आपने मुझे समझाया, आज तक किसी ने नहीं समझाया। मैं आज से ही सात्विक भोजन शुरू कर दूंगा और आपकी दी हुई खुद ही भी लूंगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो ये कागज आप खुद फाड़कर फेंक दीजिएगा। आपने जैसा कहा अगर वैसा कर पाए तो बहुत सालों तक आप और खुशहाल जिंदगी जी पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साईं, चलता हूं। आओ साईं, खाना खा लो। रेहाना, हमारे लिए तो ऐसी चीजें सपना है, पर तेरे लिए हकीकत। अरे हटो 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 हटो। सलीम भाई, आप इस कुर्सी पर बैठो पाजी के पास, गाना बदलने में आपको आसानी होगी। बैठिए 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 बैठिए।
साईं, एक बात पूछूं। तुमने उस आदमी को वसीयत के कागजात क्यों दिए? तुमने इससे पहले बीमारी को दूर करने के लिए डर को दवा के रूप में इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर आज क्यों? बाईजामा, भय बिन भाव न उपजे, भय बिन होए न प्रीति। जब हृदय से भय भागा, मिटी सकल रस प्रीति। सोए आदमी को जगाने के लिए झिंझोरना पड़ता है, मैंने बस वही किया भाईजामा। तो क्या आज के प्रवचन में तुम सलीम के साथ भी वही करने की कोशिश कर रहे थे? हाँ भाईजामा, लेकिन सलीम सुनने को ही तैयार नहीं। साईं, क्या सलीम किसी मुसीबत में पड़ने वाला है? भाईसामा, क्या आप जानती हैं इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? क्या है वो? अच्छी और हितकारी चीजों से जुड़ने के लिए बहुत वक्त लेता है और भौतिक चीजों से तुरंत जुड़ जाता है, और यही चीज उसे ईश्वर से दूर ले जाती है। तो क्या सलीम का गरम खून उसके लिए बुरा साबित होगा? भाईजामा, मालिक अगर परीक्षा लेता है तो उसमें सफल होने के साधन भी देता है। अगर सलीम उन साधनों की सहायता से संभल जाए तो उसका जीवन बेहतर हो जाएगा। और अगर नहीं संभल पाया तो? अल्लाह मालिक। जब से ग्रामोफोन आया है, घर में आने जाने वालों का तांता लगा ही रहता है। सबका स्वागत सत्कार भी तो जरूरी है। पपीता रख देना जी। हाँ, कितना हो गया? ऐसे तो 5 आना होता है, आप 2 आना दे दीजिए। 2 आना? क्यों? क्योंकि मुझे भी संगीत सुनना है आपके घर में। अच्छा अच्छा चलो, आ जाना कभी भी। हा? धन्यवाद। सलीम, आपने जी, आइए आइए, आपके सारे कंबल तैयार हैं, अभी लेकर आता। सलीम, वैसे ये आवाज कहां से आ रही है? मेरे ग्रामोफोन से। ग्रामोफोन? तुम्हारे पास, मतलब आपके पास ग्रामोफोन है? जी हाँ, मेरे भाई साहब लंदन से लाए हैं मेरे लिए। तो क्या मैं अंदर आके सुन सकता हूँ? आपने जी इतने बड़े जौहरी हैं, मेरे घर आना चाहते हैं? हाँ जरूर, इसे अपना ही घर समझिए, और जब तक जी चाहे संगीत सुनिए आप। आइए जी। आइए। माफ कीजिएगा आपने जी, घर थोड़ा अस्त व्यस्त है। वो क्या है कि मुझे 150 कंबल तत्काल बनाकर देने का एक बड़ा काम मिला है,
और जगह अपने पास बस यही है। आप परेशान मत होइए, मैं बाहर ही हूँ। आप बाहर मेरे कंबल ले आइए। ठीक है। वैसे सलीम भाई, अगर आपको ऐतराज ना हो तो इस ग्रामोफोन को लेके कल आप मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? वहाँ जगह ही जगह है और वहां पे आराम से बैठ के हम संगीत का आनंद ले सकते हैं। और इसी बहाने आप हमारे घर की दिवाली की दावत भी खा लेना। जी बिल्कुल, मैं ग्रामोफोन लेकर आ जाऊंगा। बहुत बढ़िया, आप आ ही रहे हैं तो कल सुबह आ जाइएगा, क्योंकि उसके बाद मैं लक्ष्मी पूजन में व्यस्त हो जाऊंगा ना। जी जरूर। ठीक है, तो फिर मैं बाहर रुकता हूँ। जी सुनिए, ये मैंने आपने जी के कंबल बांध दिए, लेकिन मैं देकर आता हूं। उसके बाद मुझे एक सबसे जरूरी काम करना है। राम जी भला करे। सब आपके कारण हुआ है, मैंने पहले ही कहा था आपसे कि झूठ मत बोलिए लड़की वालों से। ये सब सच सच बोलेगा तो कौन लड़की वाला लड़की दे देगा तुम्हें? बड़ा सच बोलने का भूत चढ़ा है। अरे विवाह नहीं हो रहा, ये नहीं देख रहा है, सच बोलेगा। साईं, जरा मेरे बाबा को समझाइए। क्या बात है? आप तो जानते हैं साईं कि मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ, ज्यादा पैसे नहीं है क्योंकि मैंने काम अभी अभी शुरू किया है। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि मेरा भविष्य एक दिन अच्छा होगा। बाबा मेरी शादी के लिए परेशान है, वो मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें लड़की नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरी कमाई का पता चलते ही लड़की वाले हमें मना कर देते हैं। इस बार जब हम लड़की देखने के लिए गए तो मेरे पापा ने मेरी कमाई और मेरी आमदनी के बारे में झूठ बोलने के लिए मजबूर किया। इन्होंने मुझसे लड़की वालों के सामने कहलवाया कि मैं चंदन की लकड़ी का विक्रेता हूं और मेरी अच्छी खासी आमदनी है। ये सुनते ही लड़की वालों ने बात पक्की कर दी, लेकिन सगाई के 3 दिन पहले लड़की वालों को सच का पता चल गया और उन्होंने शादी तोड़ दी। मैंने इन्हें बहुत मना किया था लेकिन इन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी थी और अब ये फिर से मुझे वही गलती दोहराने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसों फिर से लड़की देखने जाना है। लड़की वालों का गांव बहुत दूर है, इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि उन्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन साईं, मैं अपनी वैवाहिक जीवन की शुरुआत एक झूठ से नहीं करना चाहता। साईं, ऐसा कौन सा पाप कर दिया मैंने? और फिर इसका काम ऐसा है, कौन सा बाप इसको देगा अपनी लड़की? और फिर मैं कोई पहला नहीं हूं जो ऐसा कर रहा हूं। रिश्ते आते हैं तो लड़के वाले अपने बेटों के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो मैंने भी बोल दिया। मैंने क्या अलग कर दिया साईं? ये क्या कर रहे हैं आप? जगह बना रहा हूँ। पता है रेहाना, आप तीजी हमारे घर पर इसलिए नहीं बैठे क्योंकि यहाँ बैठने की जगह नहीं थी। ग्रामोफोन हमारी इज्जत में 4 चांद लगा रहा है, तो ये सामान उस चांद में दाग, इसलिए मैं ये सामान सुल्तान भाई के घर पे रखने जा रहा हूँ। वैसे भी उनका घर काफी समय से खाली पड़ा है, वहाँ काफी जगह होगी। लेकिन उनका घर काफी दिनों से बंद है, धूल गंदगी का अंबार लगा होगा वहाँ पर, ये सारा सामान खराब हो जाएगा वहाँ पर।
इतनी भी धूल मिट्टी नहीं होगी जितनी तुम कह रही हो। एक बार झाड़ू लगाएंगे सब साफ। वो तो ठीक है, एक बात कहनी थी। जिसे आप दाग धब्बा समझकर यहाँ से हटा रहे हैं, घर से बाहर कर रहे हैं, असल में वही तो हमारी रोजी रोटी है ना। ये मत भूलिए, आज तक हमने जो भी कमाया है इन्हीं की बदौलत तो कमाया है। फिर एक ग्रामा फोन के लिए उन्हें घर से बाहर कर देना, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये सामान घर की सारी जगह घेरे है और इसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। जिस काम से खुदा ने हमें इतनी बरकत दी उससे शर्माना पाप है। बेशक बरकत दी है, लेकिन इज्जत और रुतबा हमें ग्रामोफोन से मिला है। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अरे अंधिया रे, हर पथ पे बंदे साई करे उजाला, हम भटकों को राह दिखाए हर पल शिरडी वाला। दुखियारों का साई आसरा, भूखों का है निवाला, हर पाप हर रोग मिटाए साई नाम की ज्वाला। विपदा के क्षण भजता है मन साई बारंबार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार, बाबा का मेरे नाम जो स्मर ले तर ले ये संसार। वो पल ही क्या नहीं जिक्र जहां, जो तू है मेरा तो फिक्र कहाँ। मेरे मौला साई रहम नजर, दीदार तेरा हूँ मैं देखूं जिधर, तेरी रहमत के मैं सदके, तेरी रहमत के मैं सदके साई सौ सौ के साई सौ सौ बार साई। आपका बेटा लकड़हारा है तो लकड़ी की पहचान तो आपको भी होगी। हाँ बिल्कुल, पर आपके इस सवाल का हमारी स्थिति से क्या संबंध है? लकड़ी के दोनों टुकड़ों को देखिए, अगर इनमें से आपको कोई एक लकड़ी खरीदनी हो तो आप किसे पसंद करेंगे? ये वाली। ये वाली? लेकिन ये तो सादी है, ये दूसरी वाली चमकदार है। लकड़ी की चमक दमक का क्या महत्व साईं, जबकि वो मजबूत ही ना हो। जब लकड़ी का सामान बनाने के लिए उसको चुनने की बात आती है तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वो मजबूत हो और टिकाऊ हो। लकड़ी की चमक नहीं, उसकी गुणवत्ता देखी जाती है साईं। अगर आप इस सादी लकड़ी को इसके गुणों के कारण चुन सकते हैं तो आपके बेटे को कोई इसके गुणों के कारण क्यों नहीं चुन सकता? अपने बेटे पर इतना तो भरोसा कीजिए जितना आप इस लकड़ी पर कर रहे हैं। आपका बेटा बिल्कुल ठीक कह रहा है, पैसा आज है कल नहीं, और जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर टिकी हो उसका भविष्य भी इस कमजोर लकड़ी जैसा होता है।
भले ही शुरू में चमके लेकिन ज्यादा दिन चल नहीं पाता है। और हाँ, जिस काम से आपका घर चल रहा उससे शर्मिंदा हो गए तो बरकत कैसे होगी? ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है। ऐसे किसी भी काम को छोटा समझना या उससे शर्मिंदा होना उस ईश्वर के आशीर्वाद का निरादर करना होता है। अपने बेटे के गुणों पर इसकी ईमानदारी, इसकी मेहनत और खुददारी पर भरोसा रखिए। जो लड़की, जो परिवार आपके घर के लिए सही होगा वो इन्हीं गुणों को देखकर आपके बेटे को पसंद करेगा, ना कि बाहरी चमक को देखकर। आपकी बात समझ में आ गई साईं। इस बार सब सच बताऊंगा। लेकिन क्या मेरे बेटे का रिश्ता होगा? जो रिश्ता सही होगा मालिक की इच्छा से वही होगा। धन्यवाद साईं। राम जी भला करें। आप तो समझ गए लेकिन मालिक सबको यह समझते कि कभी अपने काम से शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। सुनिए, मुझे अभी भी लगता है जो आप कर रहे हैं वो सही नहीं है। मैंने कहा ना, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। सच में आपने आपटे जी को कहा कि कल आप उनके घर जाएंगे, क्या आप भूल गए कि कल सुबह साई ने आपको बुलाया है? भंडारे के लिए अनाज देने जाना है आपको। कोई बात नहीं, अनाज देने तुम चली जाना। नहीं सलीम, प्रणाम साईं। तुम्हें याद नहीं मैंने क्या कहा था? घर का मुखिया ही आकर अनाज देगा और तुमने हामी भी भरी थी। क्या तुम अपनी बात से मुकर रहे हो सलीम? नहीं साईं, ठीक है, कल मैं अनाज देने के लिए आ जाऊंगा। मैं इंतजार करूंगा। सलीम, मैंने कल्पना की थी कि जब मैं तुम्हें देखूंगा तुम काम में खोए हुए होगे। तुम्हें 150 कंबल बनाने हैं ना? मुझे उम्मीद है जो काम तुमने हाथ में लिया है उसे समय पर पूरा करोगे। हाँ साईं, हो जाएगा। रियाना ने झिपरी और गांव की कुछ और महिलाओं से बात की है, वो लोग समय पर काम पूरा कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए। साई ने भी अजीब मुसीबत में डाल दिया, अब क्या करूं? आपने साई से झूठ तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, आप जी के यहां ज्यादा समय नहीं लगेगा। तुमने सुना नहीं था, उन्हें लक्ष्मी पूजन भी करना है। मैं उनके घर से सीधे द्वारका में चला जाऊंगा।
लक्ष्मी माँ, जिस प्रकार ये दिया अंधकार दूर करता है, उसी तरह से हर इंसान के मन से हर प्रकार का अंधकार दूर हो जाए। क्या सब लोग अनाज दे गए? हाँ साईं, लगभग सभी लोगों के घर से अनाज आ गया है। साईं, मुझे लगता है कि सलीम भाई अब तक नहीं आए हैं। हाँ साईं, वो अब तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। वैसे साईं, काफी सामान आ चुका है, मेरे विचार में हमें खाना बनाना शुरू कर देना चाहिए। नहीं मालसपति जी, सलीम के योगदान के बिना आज चूल्हे पर कुछ नहीं चढ़ेगा। साई, अगर सलीम काका को आने में देर हुई तो खाना देर से पकेगा और सभी लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। केशव, अगर सब कुछ समय पर चाहते हो तो सलीम के घर जाओ और देखो वो कहां रह गया है। उसे खुद यहां आना होगा और अनाज देना होगा। ठीक है साईं, मैं अभी देखता हूं। बैठिए सलीम भाई। साहब, खाना तैयार है। ठीक है, लगवा दो। जी साहब। सलीम भाई, आप पहली बार मेरे घर आए हैं, वो भी इतनी अद्भुत चीज लेकर, और तो और दिवाली जैसे शुभ दिन पर। तो चलिए पहले हम खाना खाते हैं, फिर आराम से बैठकर संगीत का आनंद लेंगे। जी चलिए। आइए बैठिए। शुरू कीजिए। साई, अब देर हो रही है, वैसे भी एक मुट्ठी अनाज से क्या फर्क पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब हमें खाना पकाना शुरू कर देना चाहिए। अगर सलीम के घर से अनाज ना भी आए तो भी किसी को खाना कम नहीं पड़ेगा। कहा ना श्यामा, आज का भंडारा सलीम के बिना नहीं होगा। हमें उसका इंतजार करना ही होगा।
साई की कैसी हठधर्मिता है। एक इंसान की वजह से पूरे गांव को भूखा रखना मलसब दीजिए। किसी को भूखा रखना पाप होता है और ये पाप सलीम के हाथों से नहीं होने दे सकते हम। तात्या जाकर मेरी चक्की ले आ। संगीत सुनने की मुझे इतनी उत्सुकता है कि बस अब रहा नहीं जा रहा है। आपने कहा होता तो खाने के साथ भी सुन सकते थे हम। खैर अभी चला देता हूं, ये लो। साई बिना गेहूं डाले चक्की क्यों पीस रहे हैं? क्या हुआ? देखता हूं।
क्या हो गया? कहीं खराब तो नहीं हो गया? यहाँ आने से पहले आपने इसे चला के नहीं देखा था क्या? कल शाम तक तो अच्छे से चल रहा था, पर अचानक से क्या हो गया पता नहीं। एक बार अच्छे से कल पुर्जे देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप इसे जरूर दुरुस्त कर सकते हैं। मुझे ये तोहफे में मिला है आपने जी, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं जानता सिवाय इसके कि इसे चलाते कैसे हैं। इतना खाना खा लिया, मेवे मिठाई भी हजम कर गया और दो पल भी संगीत नहीं सुनने को मिला, पूरा खाना बर्बाद हो गया। सलीम, महंगी चीजें सिर्फ रखने से कुछ नहीं होता, महंगी चीजें रखोगे तो उसे चलाने और ठीक करने का ज्ञान भी होना जरूरी है। मैं इसे खराब नहीं होने दूंगा, आज ही अभी इसे ठीक करवाऊंगा। महंगी चीज होने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, अरे तो हमारे जैसा ही, इसे कैसे आएगा। इसे तो मैं ठीक करा के ही दम लूंगा। आपका कब से इंतजार कर रही हूँ, आप ये अनाज ले जाना भूल गए थे, अब तक तो साई को ले जाकर दे देना चाहिए था आपको। छोड़ो ये सब, यहाँ मेरा ग्रामोफोन खराब हो गया और तुम कुछ भी बोले जा रही हो, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ और हाँ आज मेरा द्वारका माई जाना मुश्किल है। लेकिन साई आपका इंतजार कर रहे। केशव, ये अनाज तुम्हें लेकर चले जाओ साईं के पास, मेरा ग्रामोफोन खराब हो गया है, मुझे इसे ठीक करवाना है तुरंत। लेकिन काका, ये तो बंबई या पुणे में ही ठीक हो पाएगा। क्या या खुदा, अब क्या करूं, तब तो बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। काम करूंगा, 150 कंबल की पेशगी में जो पैसे मिले थे वही ले जाऊंगा। तो फिर घर कैसे चलेगा, जब तक हमें बाकी के पैसे नहीं मिल जाते हमें उन्हीं पैसों से घर चलाना है। घर चलाने के लिए मैं कोई दूसरा इंतजाम कर लूंगा, फिलहाल मेरे ग्रामोफोन का ठीक होना बेहद जरूरी है। एक बात कहूं सलीम काका, पहले आप द्वारका में ही चलिए, साईं को हम सब अपना गुरु मानते और ये हम सब जानते कि अगर साई ने कुछ करने के लिए कहा है तो उसके पीछे हमारी भलाई नीयत होती है। साई जिद कर रहे हैं कि आप खुद अनाज दीजिए, इसमें कोई शक सुबह रही नहीं गया कि साई की बातों में आपकी भलाई है। साई भी ना बहुत जिद करते हैं, एक दिन में भंडारे में शामिल नहीं हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, और फिर मुझे शहर जाने की तैयारी भी तो करनी है। जो करना है बाद में करिएगा, केशव बिल्कुल सही कह रहा है, सबसे पहले आप द्वारका माई जाकर साई को यह अनाज देकर आइए। आपको मेरी कसम। ठीक है, मेरे ग्रामोफोन को संभाल कर अंदर रख देना और जब तक मैं वापस नहीं आता उसे छूना भी मत। चलो केशव। चलो।
राम साईं, ये लीजिए अनाज। बड़ी देर कर दी आने में। कुछ जरूरी काम था। अच्छा साईं, चलता हूं, काम अधूरा छोड़कर आया हूं। सलीम, भंडारे में तो आओगे ना? साईं, आजकल काम बहुत ज्यादा है और घर पर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। आज भंडारे के लिए नहीं आ पाऊंगा। और हां, कुछ दिन तक द्वारका माई नहीं आ पाऊंगा, ना ही और कोई सेवा कर पाऊंगा। मशरूफिया थोड़ी ज्यादा है ना, हो सकता है मुझे बंबई या पुणे भी जाना पड़े। चलता हूं साईं। ये कहानी जानी पहचानी लग रही है ना? एक ग्रामोफोन था जिसने मुझे सबसे दूर किया, और एक ग्रामोफोन है जो सलीम काका को आपसे दूर कर रहा है। मैंने अपनी गलती की सजा 7 साल आपसे, माँ और गांव वालों से दूर रहके काटी थी। डर है कहीं सलीम काका की सजा भी इतनी बुरी ना हो जाए। गलती ग्रामोफोन की नहीं है केशव, हमारी है, जो हम एक वस्तु को इंसानों से ज्यादा महत्व देते हैं। अच्छा खासा बज रहा था कल मेरा ग्रामोफोन, पता नहीं अचानक से कैसे खराब हो गया। अब मरम्मत पर कितना खर्च आएगा, कैसे ठीक होगा? क्या कर रहे हो तुम? रेहाना, तुमसे कहा था ना इसे छूना भी मत। इसके बारे में कुछ पता भी है? बनाना आता है? एक तो पहले से नहीं बज रहा, अगर कुछ और खराब हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहाँ खराब हुआ अब्बू, बस तो रहा है क्या? हाँ अभी चलाकर दिखाता हूं। अभी सही चल रहा है, फिर अचानक बंद क्यों हुआ था? चंदू, बीवा यहां। जा और जाकर सबको भंडारे के प्रसाद के लिए बुला कर ले आओ।
प्रणाम साईं। राम जी भला करें। माफी चाहती हूँ साईं, आने में थोड़ी देर होगी इस नंदू की वजह से। सुबह से रो रहा है साईं। आई के कारण ही मैं रो रहा हूँ साईं। ऐसा क्या कर दिया तुम्हारी आई ने नंदू? मेरा गिल्ली डंडा तोड़ दिया। अपने दोस्तों के साथ खेलता था मैं उससे। साईं, तंग आ गई थी इसके गिल्ली डंडे से। इसे खेलने की लत लग गई थी। ना पढ़ाई का होश, ना खाने पीने का। और खेलने का जुनून इस कदर बढ़ गया था कि इसने घर में खेलना शुरू कर दिया। और खेल खेल में घर का आईना और मटका भी तोड़ दिया इस लापरवाह ने। अब आप ही बताइए साईं, मैं क्या करती? पर मैंने कहा था कि घर के अंदर आगे से नहीं खेलूंगा, तो तोड़ने की क्या जरूरत थी? बहुत बार कहा तूने, लेकिन घर के अंदर खेलना कभी बंद नहीं किया। और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं छोड़ा था तूने। आप बहुत बुरे हैं आई। आई, अब से मैं आपके पास ही रहूंगा, घर नहीं जाऊंगा मैं। नंदू बेटा, रोना मत। मैं अभी तुम्हें एक दूसरा गिल्ली डंडा देता हूँ, उससे जी भर के खेलना। सच में साई, आपके पास गिल्ली डंडा है? लेकिन साई, मैं अभी ले आता हूं। बच्चों, बहुत सुंदर रंगोली बनाई है तुमने। क्या मैं बची हुई रंगोली को पूरा कर सकता हूं? जरूर साईं। परसों दिवाली है और इस उपलक्ष्य में द्वारका माई में भंडारा होगा। हर घर का मुखिया भंडारे के लिए एक मुट्ठी अनाज ला कर देगा। ये हम सब जानते हैं। अगर साई ने कुछ करने के लिए कहा है तो उसके पीछे हमारी भलाई नीयत होती है। साई जिद कर रहे हैं कि आप खुद अनाज दीजिए। इसमें कोई शक सुबह रही नहीं गया कि साई की बातों में आपकी भलाई है। क्या सोच रहे आप? सोच रहा हूं कि जब से ग्रामोफोन आया है, साई बार बार आग्रह करके मुझे बुलाते हैं। नहीं गया तो ग्रामोफोन खराब हो गया, और मिल के आया तो अपने आप ठीक भी हो गया। यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो ना हो, साई की ही लीला थी ये। पता नहीं उन्हें मेरे ग्रामोफोन से क्या तकलीफ है, क्यों वो मुझे मेरे ग्रामोफोन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। साई, मेरा गिल्ली डंडा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया।
मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जी सर। साई, आप मुझे गिल्ली डंडा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि मेरे पास है ही नहीं, तो तुम्हें कहां से दूं गिल्ली डंडा? अगर नहीं था तो कहा क्यों? मेरा दिल दुखा के आपको क्या मिला साई? नंदू, तुमने भी तो अपनी आई का दिल दुखाया है, वादा करके कि तुम हर वक्त नहीं खेलोगे, पढ़ोगे, घर के अंदर नहीं खेलोगे, समय पर खाना खाओगे, सावधान रहोगे। जब तुम्हें निभाने ही नहीं थे तो ये सब वादे किए क्यों? नंदू, तुम्हारी आई जो कहती है तुम्हारे भले के लिए ही कहती है। मैं मानता हूँ सही, आई मेरा भला चाहती है, पर मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। गलती की थी मैंने तो मुझे डांट भी तो सकती थी ना, गिले डंडा तोड़ने की क्या जरूरत थी सही? जब बच्चे समझाने से भी नहीं समझते तब माँ बाप को सख्ती बरतनी पड़ती है, खासकर तब जब बच्चे को किसी ऐसी चीज की लत लग जाए जिससे उसकी दिनचर्या प्रभावित होने लगे। जब बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, नहीं मानते, तो माँ बाप को अपनी संतान को उस चीज से दूर करना पड़ता है ताकि वो लत छूट जाए। एक पल के लिए उससे भले ही बच्चे को तकलीफ होती है, लेकिन आगे चलकर उससे बच्चे का ही भला होता है। इसलिए नंदू, अपनी आई को दोष देने के बजाय अपनी गलती सुधारो। हो सकता है साईं इस ग्रामाफोन से नहीं बल्कि इसके लिए आपके जुनून से, आपकी दीवानगी से आपको दूर करने की कोशिश कर रहे हो। और ये तो जग जाहिर है कि अगर साईं कुछ कर रहे हैं तो उसमें इंसान का भला ही होगा। साईं ठहरे बैरागी, सांसारिक चीजें उन्हें नहीं भाती हैं, पर हम तो सांसारी हैं, हमें तो समाज में अपने ओहदे, अपने रुतबे को देखना पड़ता है ना। इसलिए इसलिए क्या? इसलिए मैंने खुद को कुछ दिनों के लिए साईं सेवा से आजाद कर लिया है। सबाब कमाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, पहले थोड़ी इज्जत तो कमा लो। ऐसे मत देखो मुझे, ग्रामोफोन के आने से मेरी जिंदगी में जो खुशी, जो शानो शौकत आई है, मैं उसका लुत्फ उठाना चाहता हूं। बस अब से शैतानी नहीं करूंगा साई। मुझे माफ कर दीजिए आई, गिल्ली डंडे के कारण आपको बहुत परेशान किया मैंने, लेकिन अब से बिल्कुल नहीं करूंगा। नंदू, किसी भी चीज पर अत्यधिक निर्भर होना या उसे पूरी तरह से त्याग देना, दोनों ही स्थिति ठीक नहीं है। बीच का रास्ता अपनाना बेहतर है।
अगर कोई चीज तुम्हारे पास हो उसके बाद भी तुम उसके लोभ में उसके मोह में ना बंधो, ये सीखना जरूरी होता है। तुम्हारी उम्र है खेलने की, खेलो कूदो, लेकिन पढ़ाई की कीमत पर नहीं नंदो। काश मैं पहले ही समझ जाता तो ना आई गुस्सा होती और ना मेरा गिल्ली डंडा टूटता। टूटा नहीं है वो नंदू, तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी आई ने उसे छुपा के रखा है ना? हाँ साईं, बच्चों को जो चीज बेहद पसंद हो उसे माँ बाप तोड़ते नहीं, संभाल कर रखते हैं। और नंदू का गिल्ली डंडा मैंने भी संभाल कर रखा। अब जब ये समझ गया है तो मैं गिल्ली डंडा नंदू का उसे वापस दे दूंगी। और इस बार मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं सिर्फ खेलने के वक्त ही खेलूंगा, दिन भर नहीं। पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करूंगा और आपकी बात भी मानूंगा। अब बस बड़े भी समझ जाएं। समस्या ये है कि कच्चे घड़े को जैसा चाहे वैसा आकार दे सकते हैं, उन्हें सुधार सकते हैं हम, लेकिन पक्के घड़े के साथ अक्सर मुश्किल होती है। खाना नहीं खाया आपने? पहले ये काम निपटाना जरूरी है। बस हो ही गया, अभी खा लूंगा। आखिर ये क्या जरूरी काम कर रहे हैं आप जो खाना भी नहीं खाया? क्या बना रहे हैं आप? दिखाता हूं। इससे ग्रामोफोन पर धूल नहीं चढ़ेगी। ये बनाने का समय है आपके पास, लेकिन कंबल बनाने का नहीं। समझिए, त्योहारों का मौसम, गांव की सभी औरतें अपने घरों में व्यस्त हैं, वो ज्यादा समय नहीं दे पा रही हैं। दीक्षित जी को कंबल समय पर बना के देने हैं। अब आपसे ही मदद की उम्मीद कर सकती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, कल सुबह की नमाज के बाद मैं आ जाऊंगा सुल्तान भाई के घर और बना लूंगा तुम्हारे साथ। ठीक, शुक्र है खुदा का, वक्त की नजाकत को समझ रहे हैं ये। कम से कम काम को लेकर फिक्रमंद है अभी भी ये। मैं ख्वामखा चिंता कर रही थी। आज खाने में नमक थोड़ा ज्यादा गिरा है ना, माफ करना साईं। बाईजा मां, मुझे तो खाना बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कब से झूठ बोलने लगे? मां की मेहनत की तारीफ कभी झूठ नहीं होती बाईजा मां, और यदि होती भी है तो वो झूठ राम जी को 100 सत्यों से भी ज्यादा प्रिय है। नुकसान तो वो झूठ करता है जिससे किसी का दिल दुखे, और वो झूठ जिसे बोलने वाला खुद सच मान ले।
अब्बू आए? अब तक तो नहीं आए, जुम्मा है, मस्जिद में नमाज पढ़ने में वक्त लग रहा होगा। मस्जिद से मैं भी नमाज पढ़ के आ रहा हूँ अम्मी, पर अब्बू तो वहाँ आए नहीं। क्या? ये मुमकिन नहीं है, आज तक तो उन्होंने नमाज कभी नहीं छोड़ी। ग्रामोफोन आने के बाद अब्बू ने बहुत सी चीजें छोड़ी हैं और बहुत सी चीजें ऐसी की है जो उन्होंने पहले कभी नहीं की है। मतलब? अब्बू और ग्रामोफोन दोनों ही घर पे नहीं है। नमाज छोड़कर कहाँ गए होंगे वो? सलीम भाई आइए, अंदर आइए। चलिए, अल्लाह आपको बरकत दे आपकी नई दुकान में। धन्यवाद। एक बात बताइए, ये डोरी काट के उद्घाटन, मतलब मैंने पहली बार देखा और किया भी। सलीम भाई, बड़े शहरों में ऐसे ही होता है, मैंने देखा है अंग्रेज उद्घाटन ऐसे ही करते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ही करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा, इस काम के लिए आपने मुझे ही क्यों चुना? मेरी इज्जत अफजाई के लिए आपका शुक्रिया। बड़े शहरों में उद्घाटन के वक्त संगीत बजते सुना है मैंने, अब यहाँ गांव में सितार और शहनाई वादक का मिलना तो नामुमकिन है, लेकिन आपके पास जो है वो समा बांध देगा, वो है आपका ग्रामोफोन जिसमें अंग्रेजी धुन है। बेमिसाल संगीत का साधन है आपके पास, इसलिए आपको तो चुनना ही था। बड़ी खुशी हुई आज आपके पास समय था और आप यहाँ पर आए हो, तो चलिए संगीत शुरू करते हैं। आइए सलीम भाई, बैठिए। सलीम भाई, शुक्रिया। शुक्रिया। नमाज के बाद आप सीधा सुल्तान भाई के घर आने वाले थे ना? मैं आने ही वाला था, तभी एक जरूरी काम निकल आया। जुम्मे की नमाज से भी जरूरी काम था? मैं नमाज के लिए निकलने ही वाला था कि एक साहूकार ने मुझे अपनी नई दुकान के उद्घाटन के लिए बतौर मुख्य अतिथि बुला लिया। फिर ये जरूरी काम कैसे हुआ? अपनी आवाज नीचे रखो अली, मत भूलो कि तुम अपने अप्पा से बात कर रहे हो। मैंने एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी तो कोई गुनाह नहीं कर दिया, जिंदगी भर नमाज पढ़कर अल्लाह से बरकत मांगता रहा, और आज जब अल्लाह मेहरबान हुआ है तो मैं बरकत को ठोकर मार दूं? ये कैसी बरकत है जो आपको अपनों से दूर कर रही है, अपने पीर मुर्शिद अपने गुरु साईं से दूर कर रही है, यहाँ तक कि अल्लाह से भी दूर कर रही है।
सलीम जी, जी नमस्कार। नमस्कार। साकोरी के मुखिया रामदास जी ने आपके लिए न्योता भेजा है। उन्होंने कल सुबह आपको अपने यहाँ दावत पर बुलाया है। मुझे? जी हाँ, रामदास जी ने अपने गांव के आसपास के सभी प्रतिष्ठित लोगों को कल अपने घर बुलाया है। अगर आप आए तो उन्हें खुशी होगी, और अगर अगर क्या? अगर आप अपने साथ अपना ग्रामोफोन लेकर आए तो उन्हें और ज्यादा खुशी होगी। बस इतनी सी बात? जरूर ले आऊंगा। तो कल सुबह पहले प्रहर के खत्म होने से पहले आप आ जाइएगा। जरूर। चलता हूं। देखा, इस ग्रामोफोन के कारण मुझे कितना मान सम्मान मिल रहा है, और तुम लोगों की समझते ही नहीं। समझ रहा हूं मैं। आप कल भी ना तो सुबह की नमाज पढ़ पाएंगे और ना ही कंबल बनाने में मम्मी की मदद कर पाएंगे। क्या आपको एहसास भी है अब्बू कि दीक्षित साहब के दिए हुए काम को वक्त पे पूरा करने के लिए अम्मी कितनी मेहनत कर रही हैं? तो ना करें मेहनत तो फिर कौन करेगा? आपका ये ग्रामोफोन आपको शोहरत तो दे रहा है, लेकिन घर चलाने के पैसे नहीं दे रहा। वो आज भी इन कंबलों से ही आते हैं। बस बहुत हो गया कंबल। कल मैं जा रहा हूँ साकोरी, और वहां से लौटते वक्त कुछ मजदूर लेकर आ जाऊंगा, वो कर लेंगे काम। ना तो तुम्हें काम करने की जरूरत है ना मुझे। परेशान मत हो रहे, इस ग्रामोफोन की वजह से आजकल मेरा बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना होने लगा है। अब मेरे पास काम की कोई कमी नहीं होगी।